नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में बेटियों के साथ दुष्कर्म के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला नरसिंहपुर जिले के करेली थाने के अंतर्गत ग्राम रांगली पिपरिया का है, जिसमें एक 14 वर्षीय बालिका के साथ गांव के ही एक अधीर ने दुराचार किया है। परिजनों ने करेली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा अपराध कायम कर आरोपी की तलाश की जा रही है। आक्रम जो हुआ कि मैंने लड़की को मैंने प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र लेने से मैंने ले गाओ मैं तारी को मम्मी को धईराम पटेल तो मैंने ले गया। तो मैंने नरसिंहपुर में तहसील में अपन काम हो जाए तो वो तो मैंने मम्मी बैठार गो तो युवा के लोग मड़ी को लेकर और मैंने फरार हो तो रात भर मैंने क्या पता लापता रहो कहाँ पहुँचो तो सवेरे 10 बजे मैंने वो मड़ी भगे आई है नहीं मतलब वो छोड़ के गया छोड़ के और वो नहीं आया तो घर पे माने पुलिस भी पीछे लगी रही नहीं आया नहीं मेरी तलाश कर भी। मच्छी और माँ को जाति प्रमाण पत्र बनवाने के बहाने उसको नरसिंहपुर ले गया और नरसिंहपुर में उसकी माँ को छोड़कर बच्ची को अकेला कहीं अज्ञात जगह ले गया और उसको रात भर अपने साथ रखा और उसमें ऐसा लग रहा है कि उसने उसके साथ कुछ गलत काम किया है और सुबह उसने उसको छोड़ दिया है गांव से 2 किलोमीटर दूर और सुबह से परिवार के लोग आए हुए हैं थाने 8 बजे से तो FIR में भी बहुत टाइम लग रहा है। अभी 4 बज गए हैं, अभी जाके बच्चे परिवार को छोड़ा गया है भूखे प्यासे यहीं थाने में बैठे रहे। शिकायत दर्ज हो गई है दुष्कर्म की संभावना या अन्य कुछ गलत होने की संभावना है। सर क्या किया आप लोगों ने? उसकी हमने तुरंत आकर उनके परिजनों के साथ में करेली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और करेली जो हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका मेडिकल कराया। कितने बजे आ गए थे थाने आप? करेली थाने हम सुबह 8:30 बजे आ गए थे। अभी सब कार्रवाई हो चुकी है और रिपोर्ट भी हो चुकी है और रिपोर्ट की पावती मिल गई है जिसको लेकर हम घर जा रहे हैं और कल उन्होंने 10 बजे फिर से बुलाया है। हमारे सामने आज ग्राम राकई पिपरिया की रहने वाली पीड़िता ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट लेकर आया कि उसके गांव के रहने वाले धनीराम पटेल ने उसे जाति प्रमाण पत्र बनाने के बहाने से बहला फुसलाकर हिरणपुर ले जाकर उसके साथ बुरा कृत्य किया है। इस मामले पर थाना करेली में अपराध क्रमांक 498 धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है जो अभी विवेचना में है और आरोपी अभी फरार है जिसको पकड़ने के लिए पूरे भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।